हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार पर व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें शंकु दिया गया है, आधार का व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है और जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर हमें दी गई है। ये हम आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या है, इसे हम हल करेंगे। मान लीजिए कि वृत्ताकार आधार की त्रिज्या जो है बराबर है आर सेंटीमीटर। इसलिए क्योंकि व्यास क्या होता है, व्यास बराबर है 2R, त्रिज्या का 2 गुना जो है वो व्यास होता है, बराबर है 10.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। 10R जो है हमारा क्या हो जाएगा, व्यास का आधा 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और R ये सेंटीमीटर है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर है 10 105/20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉइंट को हमने हटा दिया है, दशमलव की जगह हमने परिमेय संख्या लिख दी है। तो R बराबर हो गया आपका 21/4 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 110 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है, फॉर्मूला है पाई आर एल। तो यहाँ पाई पाई बटे 7 गुना आर हमारा कितना आया था, 21/4, और एल जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर। तो 22/7 × 21/4 × 10 cm². तो ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व करके 7 × 21 कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 11, 2 × 11 = 22 हो जाएगा। तो ये बन गया 11 × 3 × 5 cm². इसको हल करके हमारा आएगा 165 cm². ये हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए हमारा ये स्क्वायर में आएगा। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास जो है 24 मीटर है। ये हमारा एक मान लीजिए शंकु है जिसका जो आधार का व्यास है वो 24 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई जो है आपकी 21 मीटर दी गई है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर दिया गया है हमें। देखिए शंकु का व्यास कितना है आपका, 24 मीटर दिया गया है। डी से यहाँ से हम नोट करते हैं, डी से मान लीजिए। और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर है 24/2 = 12 मीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, आधार का आधार वाले जो व्यास है उसका आधा होगा, यानी कि व्यास जो है जो में दिया गया है उसका आधा जो है वो त्रिज्या होगी। तो आर हमारा आ गया है 12 मीटर। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है या फार्मूला बोल लीजिए आप। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इन दोनों में क्या है, पाई आर और पाई आर स्क्वायर में पाई आर कॉमन है तो पाई आर हमने बाहर ले लिया, तो ये हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसे हम करेंगे 22/7 × 12 × 21 = 12 ब्रैकेट बंद मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में है क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब बराबर है, ये बन जाएगा इसको सॉल्व करके 264 × 33, 12 × 21 को करेंगे 33 आएगा, 12 × 24, 12 × 24 = 26 ये आएगा 264/7। इसको इस 12 को 22 से गुना करेंगे इतना आएगा, 21 × 12 करेंगे 33 आएगा। सिंपल मैथ है, जमा कराना गुना भाग ही करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है मीटर स्क्वायर ही लिखना है क्योंकि हम अभी क्षेत्रफल निकाला है हमने ये। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें
आधार की त्रिज्या निकालनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। मान लीजिए शंकु के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या है R। हम त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं R है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, 14 सेंटीमीटर दी गई है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया हमें, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर एल। पाई आर एल बराबर है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने जो सूत्र है, फार्मूला है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो हमने लगा दिया है। या पाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया 22/7 गुना आर, हमने माना है कि त्रिज्या आर है, और गुना एल जो है तिर्यक ऊंचाई जो कि 14 है, वो हमने लिख दिया, इसमें पुट कर दी है। बराबर कितना दिया गया था हमें, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने 308 सेंटीमीटर कर दिया है। अब आर को हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे और बाकी टर्म्स को ले जाएंगे राइट साइड पे, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 22/7 है तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, ये 7/22। 14 है तो यहाँ जब राइट साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा 1/14 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ है आर, तो ये सेंटीमीटर में होगी, तो आर बराबर है आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया हमें, 308 दिया गया है, और शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 308 जमा 22/7 गुना आर, हमारा कितना आया था पिछले पार्ट में निकाला, तो यह था हमारा 7 पूरी ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आपका 308 जमा 22 गुना 7, एक साथ से ये साथ एक साथ कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक ही साथ बचेगा, तो ये आएगा आपका 308 जमा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है, इसको हल करेंगे तो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। सेकंड पार्ट है, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है। हल जो है इसका, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 10 मीटर है और शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या जो है 24 मीटर है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, L मान लीजिए है, बराबर होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे R है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर जमा एच की जगह 10, 10 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, ये हमारा आएगा 576 प्लस 100 अंडर रूट, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 676 मीटर। इसको जब अंडर रूट हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 26 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई हमारी आ गई 26 मीटर। अब भाग दो के लिए तंबू को बनाने में लगा कैनवास जो है कितना होगा, क्या होगा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। शंक्वाकार आकृति का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर एल होता है। तो ये हो गया आपका 22/7 गुना 24 गुना 26, विच इज इक्वल टू 13728/7 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में लेंगे क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। अब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य है ₹70, तो 13728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य क्या होगा, 70 गुना 13728/7 विच इज इक्वल टू 1,37,280 रुपए।
इस प्रकार जो है हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हल करेंगे।